झारखंड के नक्सलग्रस्त इलाके दुमका में चल रहे अवैध कोयला के कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन की टास्क फोर्स टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इलाके में एकाएक छापेमारी होते देख कोयले के काले कारोबारी भी अवैध खदान छोड़कर भाग खड़े हुए। छापेमारी के दौरान जिला प्रशासन ने अवैध कोयला खदानों को जेसीबी मशीन से डोजरिंग करके बंद कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन ने शिकारीपारा वन क्षेत्र में बादलपारा और लुटिया पहार के जंगली इलाकों में अवैध रूप से चल रहे कोयला कारोबार पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। दुमका के डीएमओ कृष्ण कुमार के नेतृत्व में सीओ पुलिस विभाग के एसडीपीओ और स्थानीय पुलिस की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। टास्क फोर्स टीम द्वारा किए इस छापेमारी से कोयला कारोबारी में हड़कंप मच रहा है। अधिकारियों के कोयला खदान पहुंचते ही खनन करने वाले मजदूर और माफिया भाग खड़े हुए। इसके बाद प्रशासन ने 24 से ज्यादा अवैध कोयला खदानों को डोजरिंग कर बंद कर दिया। प्रशासन की एक नुक्ता देखने को मिल रही है, लेकिन आगे से जो भी कार्रवाई होगी उसमें प्रयास रहेगा कि कुछ जब्ती भी हो। जब्ती के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, लेकिन क्या है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में और घने जंगलों में रहने के कारण हमारे आगमन तक लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और वो और निकल जाते हैं। आज किस किस क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है? आज बादलपाड़ा क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है और आने वाले दिनों में यहाँ जितनी भी कोल माइन से सबको बंद किया जाएगा। अवैध होगा सर, ये अनुसंधान का विषय है। इस पे हम लोग लगे हुए हैं कि किनके द्वारा ये अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। इसे अनुसंधान जब पूरी हो जाएगी तो उसके नियमानुसार उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।